हेलो, दिस इज अमन शर्मा। टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी इंट्रा टेरिटोरियल लॉज की, अब हम अगले लेक्चर जो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज की। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज कहां पर दिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो ये दिया गया है सेक्शन 3 और 4 आईपीसी में। अब सेक्शन 3 और 4 आईपीसी में दिया गया, तो हम उसकी डायरेक्ट रीडिंग करेंगे सबसे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 3 की जब डायरेक्ट रीडिंग करते हैं, द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच मे बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोर्ट फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। ये क्या बोल रहा है यहां पर, जब हम सेक्शन 3 की बात करते हैं कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि बियॉन्ड इंडिया किया गया हो, कहां किया गया, बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर किया गया हो, इंडिया के विदिन द, नॉट विदिन द टेरिटरी ऑफ, विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विदाउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब बाहर किया गया, जो टेरिटरी इंडिया की उसके बाहर ही ऑफेंस किया गया हो, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या है, आईपीसी के थ्रू पनिशमेंट दी जा सकती है उस ऑफेंस में। एक लीगल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब लोग नोट करेंगे, एक लीगल फिक्शन क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, लीगल फिक्शन क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पर सेक्शन 3 में। लीगल फिक्शन क्या क्रिएट कर रहा है कि भैया जो भी ऑफेंस आईपीसी में किए गए हैं, मतलब जो बियॉन्ड इंडिया किए गए हैं, वो आईपीसी में ट्राई हो सकते हैं, आईपीसी में उनको पनिशेबल किया जा सकता है, ठीक है। लायबल बाय इंडिया टू बी ट्राइड फॉर ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डील विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोर्ट फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर, उसी तरह डील करे जाएंगे जैसे वो जो क्राइम बाहर किए गए ना, ऐसा माना जाएगा कि ये जो क्राइम विदाउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया यहां पर किए गए हैं, यूएस में कोई क्राइम किया गया है, तो ये माना जाएगा जो इंडियन लॉ के लिए मतलब वहां पर लाइबल माना जा सकता है, तो ये माना जाएगा कि ये क्राइम इंडिया में ही कमिट किया गया है, ठीक है, इंडिया में ही कमिट किया गया। मैंने कल भी आपको बताया था आईपीसी कहां चलती है, आपकी पीठ पर लदी हुई चलती है, हम लोग को यही भूलना है ये चीज। इसका एक्सटेरिटोरियल पढ़ लो चाहे इंटर टेरिटोरियल पढ़ लो, हम लोग को एक चीज कभी नहीं भूलनी है कि जो आईपीसी है वो पीठ पर लदी हुई चल रही है। ये अगर आप जिससे याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी कॉन्सेप्चुअल बेस, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, प्री में आ जाए, मेंस में आ जाए, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे, आगे मैं बताऊंगा, मैं आगे बताऊंगा वो सब चीजें जब सेक्शन 3 हम पढ़ लेंगे, तो सेक्शन 3 को हम एक्सप्लेन करेंगे सबसे अच्छा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल मैं नीचे दूंगा यहां पर, एग्जाम्पल है एक सिटीजन इंडिया का, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ क्राइम इन नेपाल, कहां पे क्राइम कमिट करता है, नेपाल में, ठीक है, विदाउट इंडिया हो गया, बियॉन्ड इंडिया हो गया, उसने इंडिया में क्राइम कमिट नहीं किया, उसने नेपाल में क्राइम कमिट किया। नेपाल में क्राइम कमिट करने के लिए फिर भी वो यहां पर इसी तरह लायबल होगा जैसे उसने नेपाल में क्राइम नहीं किया है, इंडिया में क्राइम किया है, ठीक है। और यहां पर एनी पर्सन वर्ड यूज हुआ है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको एनी पर्सन का इंपॉर्टेंस बताया था, यहां पर भी एनी पर्सन का यही इंपॉर्टेंस है, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो, चाहे वो बाहर का सिटीजन हो, चाहे वो अदर कंट्रीज के लॉ से गवर्न हो रहा हो, कोई भी हो, यहां पर एनी पर्सन दिया गया है तो सभी इसके कोनोटेशन में आ जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा वाइड टर्म है सेक्शन 3 का, जो एनी पर्सन है बहुत ही ज्यादा वाइड टर्म है। अब हम आगे बढ़ेंगे जब कि आपको एक्सप्लेनेशन एग्जांपल मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट जान लेते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपको लिखने के लिए आ सकता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस का, ये आपको मेंस के आंसर में डालना है, ठीक है। सेक्शन 3 का कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या था इस सेक्शन को डालने के लिए, सबसे मेन ऑब्जेक्ट ये था कि जो एवरी सोवरन स्टेट है, हम लोग क्या है, सोवरन स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को पता है, हम लोग सोवरन स्टेट है, एक सोवरन स्टेट हमेशा अपने सिटीजन का जो कंडक्ट है, क्या है, सिटीजन का जो कंडक्ट है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, बाहर हो, कहीं भी हो, एक सिटीजन का जो कंडक्ट है ना, एक सोवरन स्टेट, एक संप्रभु राज्य, वो क्या करेगा, उसको रेगुलेट करेगा, ठीक है, वो रेगुलेट करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, वो उसको रेगुलेट करेगा, यही ऑब्जेक्ट इस सेक्शन का, और इसी वजह से इसको डाला गया कि हमें रेगुलेट करना भी है, हम सोवरेन स्टेट है, हमें अपने सिटीजन का ख्याल रखना जरूरी है,
हम उनको बाहर ऐसे नहीं छोड़ सकते कि वो किसी और लॉ से डील करने लगे या फिर और कंट्रीज उसमें इंटरफेयर करने लगे। तो ये तो एक इंटरनेशनल लॉ का प्रिंसिपल हो ही गया, मान लीजिए हम उनको कर ही रहे इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जब हम आएंगे तो ये इनका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम सेक्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्राटेरिटोरियल ऑफेंसेस। ये भी इसका एक्सटेंशन है, ये सेक्शन 3 जो है ना, ये सेक्शन 4 जो है ना, सेक्शन 3 को एक्सटेंड कर रही है और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रही है आगे जाके, ठीक है। जब हम सेक्शन 4 रीड करेंगे, यहाँ पर सबको सब समझ में आया कि सेक्शन 3 लीगल फिक्शन क्रिएट कर रहा है। ये बहुत ही सरल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन 4 की डायरेक्ट रीडिंग करेंगे। सेक्शन 4 क्या कहता है, सेक्शन 4 एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, नोट करेंगे यहां पर, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये अंडरलाइन कर लीजिए, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। कोई भी सिटीजन किसी भी प्लेस में जो कि विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर है, विद इन, नॉट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, बाहर है कहीं पे प्लेस, ये इंडिया है, यहाँ पर यूएस मान लीजिए, जैसे आप दुबई मान लीजिए, ठीक है, दुबई है कोई प्लेस, दुबई में क्राइम कमिट करता है, सो ही सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी। इसके सेक्शन जो 2 वाला क्लॉज दिया है, इसके आगे आप लोग लिख लीजिए एडमिरलिटी ज्यूरिडिक्शन, एडमिरलिटी सेक्शन 4 का क्लॉज 2, इसके आगे आप लोग लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है, एडमिरलिटी एडमिरलिटी ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, ये लिख लीजिए। अब इसको पढ़ते हैं, एनी पर्सन और एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इंडिया वेर एवर इट मे बी, चाहे कोई भी एयरक्राफ्ट हो, कोई भी पर्सन हो उसमें, कोई भी एयरक्राफ्ट हो, कोई भी शिप हो या एयरक्राफ्ट हो, जो कि कहां पर रजिस्टर्ड है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, उसका रजिस्ट्रेशन कहां पे, इंडिया में, उस पर इंडियन फ्लैग लगा हुआ है, एडमिरल्टी का मतलब बताऊंगा तो बताऊंगा, इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है, इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, और उस पर कोई पर्सन क्राइम कमिट कर देता है, किसी का मर्डर कर देता है, कुछ भी कर देता है, 354 लग जाती है, रेप कर देता है, कुछ भी कर देता है, तो उसकी जो लाइबिलिटी बनेगी, मैं आगे पढ़ता हूँ थर्ड क्लॉज, अब वो साथ में बताऊंगा मैं आपको। एनी पर्सन एनी प्लेस विदाउट एन बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, इसका आप अमेंडमेंट याद रखिए, इसके अमेंडमेंट के आगे लिख लीजिए एडेड इन 2008, ठीक है, आईटी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2008, ये कब ऐड हुआ था, 2008 में ऐड हुआ था, ये याद रखिए, ये पूछ लेते हैं, ठीक है। लोकेटेड इन इंडिया द प्रोविजन ऑफ दिस अप्लाई टू एनी ऑफेंस, ये हमने पढ़ लिया कि हर जो हर पहले कौन सा क्लॉज पढ़ा कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कमिटिंग ऑफेंस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, और कोई भी पर्सन, यहाँ पे वाइड कर दिया सेकंड क्लॉज को, एडमिरल्टी ज्यूरिडिक्शन को, एनी पर्सन, पहले सिटीजन ऑफ इंडिया था क्लॉज 1 में, अब एनी पर्सन मतलब कोई भी सिटीजन हो या ना हो, ठीक है, एनी पर्सन एंड प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, थर्ड वाले क्लॉज में क्या बताया, ये आईटी एक्ट से डील कर रहा है मेनली, जो नए नए ऑफेंसेस आ रहे हैं ना, जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, उनसे डील कर रहा है ये, इसको एक्सटेंड करने के लिए, इसको थोड़ा न्यू बनाने के लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो सकें, ठीक है। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एन बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, जिसका कंप्यूटर रिसोर्स कहाँ पर है, इंडिया में प्रेजेंट हो, जैसे शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड थी ना इंडिया में, ऐसे ही उसका कंप्यूटर रिसोर्स भले ही बाहर से ऑफेंस हो रहा है, ठीक है, उसका कंप्यूटर रिसोर्स कहाँ लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, इसकी बैरिक रीडिंग ये आराम से समझ में आ जाएगा, पहला आपको याद रखना है सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरा एनी पर्सन है, और तीसरा आईटी एक्ट से डील कर रहा है, जो साइबर क्राइम्स हो रहा है उनसे डील कर रहा है, जिसका कंप्यूटर रिसोर्स कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है। हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, ये बैरिक रीडिंग कर लेते हैं, ऑफेंस को क्या माना गया है, ऐसा ऑफेंस जो कि आउटसाइड इंडिया कमिट हुआ हो, अगर इंडिया में कमिट होता तो वो पनिशेबल होता आईपीसी में, ठीक है, यहाँ पर ऑफेंस का ये मीनिंग है। और कंप्यूटर रिसोर्स का मीनिंग कहाँ से उठाया गया है, क्लॉज के सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सेक्शन 2 से, ये आप अंडरलाइन इसलिए कर लीजिए, कभी कभी प्री में पूछ लेते हैं, कभी कभी प्री में ये वाला जो एक्सप्लेनेशन वाला जो कंप्यूटर रिसोर्स बताया ना, ये पूछ लेते हैं कहाँ पे दिया गया, याद रखिएगा सेक्शन 2, सॉरी कहां पर दिया गया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज के ऑफ आईटी एक्ट, ठीक है, ये याद रखिए, ये पूछ लेते हैं कभी कभार प्री में आ जाता है, ठीक है। इसका इलस्ट्रेशन में पढ़ता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में, ए Who is a citizen of India commits a murder in Uganda. He can be tried and convicted of
मर्डर इन एनी प्लेस इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। यहां पर वही वाली बात कह दी। ए जो कि सिटीजन है, ए जो कि सिटीजन है कहां पर मर्डर कमिट करता है, युगांडा में, ठीक है, कहां पे क्राइम कमिट करता है, युगांडा में क्राइम कमिट करता है। एक सिटीजन है, सिटीजन युगांडा में क्राइम कमिट करता है, ठीक है, मर्डर की मर्डर कमिट करता है, ठीक है। उसको ट्राई और कन्विक्ट कहां किया जाएगा, मर्डर के लिए उसको इसी तरह ट्राई और कन्विक्ट किया जाएगा जहां पर किसी भी जगह जहां पर वो मिला ना, इंडिया में, इंडिया में कर वो कहीं पर भी मिला, उसने क्राइम कहां किया, युगांडा में, इंडिया वो कहीं पर भी मिलेगा तो उसी जगह पर उसकी ट्रायल होगी, उसी जगह पर उसको कन्विक्ट किया जाएगा, समझ गए। जैसे उसने मर्डर युगांडा में किया और वो नागपुर में पाया गया, या फिर कहीं भी मान लीजिए भोपाल में पाया गया तो भोपाल ही में उसको कन्विक्ट किया जाएगा, भोपाल ही में उसकी ट्रायल चलेगी, ठीक है। ये उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, जहां पर भी वो मिलेगा उसकी ट्रायल वहीं चलेगी। इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जब सिटीजनशिप, आपने क्लॉज वन पढ़ा होगा, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया एनी प्लेस विदाउट इनबॉर्न इंडिया, ठीक है, जब वहां पर सिटीजन की बात चल रही है तो बात जब सिटीजन की होती है तो रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप भी होता है। सिटीजनशिप कोई छोड़ भी सकता है, किसी स्टेट अदर कंट्री की ले भी सकता है। तो क्वेश्चन यहां पर उठा कि कोई अगर ए है, उसके पास सिटीजनशिप इंडिया की थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, इंडिया की थी उसके पास सिटीजनशिप, अब उसने क्राइम कमिट कर दिया, क्राइम कमिट करने के बाद उसने अपनी इंडिया इंडियन सिटीजनशिप जो थी उसने उसको रेनाउंस कर दिया, वो अब यूएस का सिटीजनशिप सिटीजन हो गया, ठीक है, यूएस का सिटीजन हो गया। यूएस के सिटीजन होने के बाद अब जहां पर वो प्लीड लेने लगा कोर्ट के सामने कि भैया यूएस, मैं तो यूएस का सिटीजनशिप, मेरे पास तो यूएस की सिटीजनशिप है, आप मुझे ट्राई कैसे कर सकते हैं इंडिया में। तो इसको कोर्ट ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एक केस है जिसका मैं नाम बताऊंगा, फातिमा बीबी अहमद पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, यह मैं लिख देता हूं किस, यहां पर लिख देता हूं, फातिमा बीबी अहमद पटेल, वैसे यहां पर स्ट्रिप में आपको दिख जाएगा केस, बीबी पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है, 2008 का केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये इस पॉइंट पे कि सिटीजनशिप अगर किसी ने चेंज कर ली या फिर किसी ने रेनाउंस कर दी तो फिर उसका ट्रायल, उसका कन्विक्शन कैसे होगा, आईपीसी में होगा कि नहीं होगा, ये लास्ट पॉइंट है बस अपने इस वाले टॉपिक का। तो इस केस में क्या हुआ था, ए ने, कोई ए थी महिला, उन्होंने सिटीजनशिप किसी और स्टेट की ले ली थी और क्राइम उन्होंने कब कमिट कर लिया था, क्राइम उन जब कमिट कर लिए थे जब वो इंडियन सिटीजनशिप थी उनके पास थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठा के उन्होंने बोला, जो महिला थी उन्होंने यहाँ पर बोला कि भैया मैं तो अब सिटीजन हुई नहीं, आप मुझे ट्राई करने कर नहीं सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा वर्ड दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, व्हेन यू हैव द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दैट टाइम यू ओनली हैव कमिटेड अ क्राइम, मतलब एट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 4 कब आएगी अस्तित्व में, जब भले ही आपका एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, भले ही आपने सिटीजनशिप चेंज कर ली हो, आपकी कमीशन कब हुई थी ऑफेंस की, जब आप इंडिया के सिटीजनशिप में थे, इंडिया के सिटीजन थे। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये कैसे अप्लाई होता है, इसका एक तोड़ ये याद रख लीजिए कि व्हेन यू हैव कमिटेड अ क्राइम यू हैव द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया देन यू कैन बी कन्विक्टेड इन इंडिया, बट इफ यू आर रिनाउंस योर सिटीजनशिप एंड यू हैव अक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ यूएस एंड देन यू हैव कमिटेड अ क्राइम देन यूएस लॉ विल पनिश यू, वी आर नो वन टू पनिश यू, आईपीसी हैज नो अथॉरिटी टू पनिश यू, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। एडमिरल्टी ज्यूरिडिक्शन का मैं यही बताना चाह रहा था, चाहे एयरक्राफ्ट हो चाहे शिप हो, आपको फ्लोटिंग आइलैंड माना जाएगा। एडमिरल्टी ज्यूरिडिक्शन में जो आपको यहां लिखा था ना, एडमिरल्टी ज्यूरिडिक्शन, एडमिरल्टी ज्यूरिडिक्शन का सीधा साधा सिद्धांत यही है कि आपको फ्लोटिंग आइलैंड माना जाएगा। आप अपना शिप या एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड इंडिया में, जिस पर इंडिया का फ्लैग लगा है, आप उसमें जा रहे हो तो वो फ्लोटिंग आइलैंड है, आप इंडिया के एक फ्लोटिंग आइलैंड की तरह चल रहे हो, ऐसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है ना, तो आप भी एक फ्लोटिंग आइलैंड हो, ये इसमें ये प्रिजम्पशन की जाएगी, ठीक है, एडमिरल्टी ज्यूरिडिक्शन यही था। और इसके साथ एक और सेक्शन पढ़ी जाती है,
ये सेक्शन भी हर कोई नहीं बताता इसके साथ पढ़ी जाती है कि नहीं पढ़ी जाती। सेक्शन पढ़ी जाती है सेक्शन 188 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं दिया, इसमें एक नॉर्मल सी चीज बताई गई है कि कोई भी ऑफेंस जो बाहर कमिट हुआ किसी इंडियन सिटीजन के द्वारा या फिर किसी पर्सन के द्वारा जो कि हाई सीज में था या फिर एल्सवेयर था, जो ऑफेंस कमिट हुआ जो कि हाई सीज में था या फिर एल्सवेयर था या फिर शिप और एयरक्राफ्ट में था जो रजिस्टर्ड थी इंडिया में, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंक्शन लेना पड़ेगा पहले, जब आप इनको ट्राई कर सकते हो। बस सेक्शन 88 पढ़ेंगे तो यही बताएंगे। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं और कल से हम सेक्शन 6 जनरल प्रोविजंस जो वहां से चालू होते हैं, जो एक्सप्लेनेशन चालू होते हैं जनरल एक्सप्लेनेशन, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।